गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे हम चैप्टर नंबर 7 को। टॉपिक है अपना एंडोक्राइन सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर देखिएगा अपने कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए जो है दो सिस्टम मेनली जो है वो वर्क करते हैं, इसके अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में जो सिग्नल्स को जो है वो आगे पास करता है इसके अंदर और मैसेज को कन्वे करता है, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो है हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे इसके अंदर, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो मेनली सीक्रेट करती है इसके अंदर हार्मोन्स का सीक्रेशन। तो मैं प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने बताया ग्लैंड्स के जो है 3 टाइप्स होते हैं इसके अंदर, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का सीक्रेशन जो थ्रू द डक्ट्स होता है उनके टारगेट तक पहुंचता जो सीक्रेट होता है इसके अंदर। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमेशा जो है एंजाइम का सीक्रेशन करेगा, ठीक है, और उसका जो सीक्रेशन है थ्रू द डक्ट जो है वो टारगेट तक पहुंचेगा। और एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो है सीक्रेट होगा और ये जो है वो हार्मोन। तो एंडोक्राइन सिस्टम किससे मिलकर बना है? एंडोक्राइन ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करती है हार्मोन्स, ये सीक्रेट करेगी हार्मोन्स। ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स है इन हार्मोन्स को अपन क्या बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। तो ये जो है वो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, ये मेनली जो है हार्मोन प्रोटीन लिपिड या अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं इस तरह। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा इसके अंदर ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है इसके अंदर ये अपना सीक्रेशन जो है वो डायरेक्ट जो है ब्लड के अंदर करती है ना। तो सीक्रेशन जो है वो डायरेक्ट कहां पे जाता है इसके अंदर? सीक्रेशन जो है वो डायरेक्ट इनटू द ब्लड, सीक्रेशन डायरेक्ट इनटू ब्लड के अंदर ही डायरेक्ट सीक्रेशन होता है इसके अंदर। तो इसलिए इसको अपन एंडोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं, यहां पे इसको अपन डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। अब देखिए मैंने कल आपको बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो एग्जांपल्स इसके अंदर अपने कौन-कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इसके अंदर, तो अपन वन बाय वन एक-एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में यहां पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपका आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखिएगा स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस के अगर अपन लोकेशन की बात करें इसकी, ठीक है, तो इसका लोकेशन जो होता है वो होता है इसके अंदर इन बिलो द सेरेब्रम, बिलो सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे। अपने फोर ब्रेन के बारे में पढ़ा है इसके पहले नर्वस सिस्टम के अंदर, तो सेरेब्रम के नीचे की तरफ होता है इसके अंदर इसका लोकेशन। और ये जो थैलेमस होता है, थैलेमस का जो फ्लोर होता है वही है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। अब ये जो हाइपोथैलेमस है इससे सीक्रेट्स होते हैं इसके अंदर दो टाइप के हार्मोन। ठीक है, तो ये सीक्रेट्स जो है सीक्रेट्स टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, टू टाइप्स ऑफ हार्मोन। तो इसमें देखिएगा दो टाइप के हार्मोन्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, समझे इसके अंदर फर्स्ट। तो टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, एक तो होता है इसके अंदर रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा होता है इसके अंदर आपका इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। देखिएगा रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, या फिर इसको अपन रिलीजिंग फैक्टर भी बोलते हैं आरएफ, और इसको अपन इनहिबिटिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं आईएच, इनहिबिटिंग फैक्टर। अब ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन करते क्या है एक्चुअली? रिलीजिंग हार्मोन अगर जो है और ये इनहिबिटिंग हार्मोन दोनों जो है ये आगे पास होते हैं इसके अंदर आपके इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो ये आगे कहां पे पास हो जाते हैं इसके अंदर? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को आगे पास होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अगर देखिएगा यहां से देखिए रिलीजिंग हार्मोन अगर यहां से सीक्रेट हो रहा है हाइपोथैलेमस से और ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जाएगा इसके अंदर, तो ये क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को रिलीज करवाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को रिलीज करवाएगा। ठीक है ना, तो और अगर इनहिबिटिंग हार्मोन है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उनको ये इनहिबिट करेगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है क्या करती है इसके अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सीक्रेशन है इसके अंदर आपका वो सारा इसका जो कंट्रोल है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का वो है हाइपोथैलेमस के अंदर। ठीक, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स आगे अपन समझेंगे इसके अंदर, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोल करती है ये अदर ग्लैंड्स को, कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स, ये दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है।
पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाती है यहाँ पे आपका मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाएगी, मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी बोल सकते इसको। बट पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर है तो ये क्या हो जाएगा इसमें, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर, इसको अपन क्या बोल देंगे इसके अंदर मास्टर ऑफ मास्टर बोल देंगे। ठीक है, तो ये जो है हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर, यानी मास्टर ग्लैंड कौन सा हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, या मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। क्लियर है, तो हाइपोथैलेमस से कुछ टाइप्स के हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को रिलीज करवाएंगे, और इनहिबिटिंग हार्मोन है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन का इनहिबिशन करेंगे, सीक्रेट होना बंद हो जाएगा सेल। ठीक है, तो ये तो होता है इसके अंदर हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में स्टूडेंट्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो हाइपोथैलेमस से ही अटैच होती है इसके अंदर। तो सेकंड अपनी बात कर रहे हैं इसके अंदर अपना सेकंड ग्लैंड आ जाएगी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है ये इसका लोकेशन कहां पे हो गया इसके अंदर आपका, ये अटैच टू द हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये अटैच होती है इसके अंदर, अटैच टू हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से ही अटैच होती है इसके अंदर। और अगर अपन इसके अंदर बात करें इसका फंक्शंस की बात करें और इसका हम डायग्राम अगर देखें, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर देखिएगा स्टूडेंट, ये जैसे आपका जो है हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के नीचे ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर, टू लोब्स होते हैं इसके अंदर, ये हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस, और ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर टू लोब होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये दो लोब होते हैं। तो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है यहां से जो है नेक्स्ट हार्मोन सीक्रेट करती है जो अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करेगी इसमें। अब देखिए यहाँ पे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर जो मैन हार्मोन सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से वो है इसके अंदर आपका ग्रोथ हार्मोन स्ट्रेंथ, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। मैन जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, बॉडी के ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। तो आपकी बॉडी का जो ग्रोथ होता है उसको रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोन सीक्रेट होता है इसके अंदर वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है इसके अंदर। अब ये ग्रोथ हार्मोन का अगर जो है चाइल्डहुड के अंदर अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाता है, कमी हो जाता है, तो क्या होगा आपके बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा। तो बॉडी का अगर ग्रोथ नहीं होता तो हाइट जो है कम रह जाता है, तो ये इसी वजह से जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं ड्रॉफिज्म, है ना, यानी बौनापन जो है वो हो जाता है। लेकिन अगर इस ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन एक्सेस अमाउंट के अंदर हो जाता है तो हाइट ज्यादा हो जाती है, तो इसके अंदर हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इस केस के अंदर इसको अपन हाइट ज्यादा बढ़ने को बोलते हैं जाइंटिज्म। ठीक है, तो ये जाइंटिज्म जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है इसके अंदर, तो हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसमें। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है आपको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, क्योंकि अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, और इससे मेन जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन है वो सीक्रेट होता है इसके अंदर। इसके अलावा जो है इसके द्वारा जो है रिलीज किया जाता है ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन, ये भी जो है एक्चुअली बनता है हाइपोथैलेमस में लेकिन सीक्रेट होता है इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से। बाकी जो है अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाले जो है हार्मोन यहाँ से रिलीज किए जाते हैं इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, तो ये तो हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है इसका लोकेशन समझते हैं इसके अंदर अपना। तो थर्ड नंबर पे आता है आपका थायराइड ग्लैंड, और फोर्थ पे आ जाएगी आपके इसके अंदर पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। देखिएगा स्टूडेंट्स, थायराइड और पैराथायराइड इनका लोकेशन समझना, ये जो आपकी एयर पाइप होती है इसको अपन ट्रैकिया बोलते हैं इसके अंदर। तो ये जो ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया पे ही जो है ये आपका लंग्स होता है। तो ये जो ट्रैकिया है इसके अंदर आपका, इस ट्रैकिया पे ही ये जो है वो एच सैप के अंदर इस तरह से ये बाइलोब होती है इसके अंदर, ये दो लोब में होती है। तो ये जो होती है ये तो होती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये होगी थायराइड, और इसके ऊपर ये अटैच जो है ये फोर जो है स्मॉल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये पैराथायराइड ग्लैंड होती है इसके अंदर। ठीक है, तो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड ट्रैकिया पे ही अटैच होती है एक तरह से। और अब बात करेंगे अपन थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है स्टूडेंट से, इससे थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन होता है, थायराइड हार्मोन का, थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन, सॉरी थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है,
इसको सीक्रेट करने के लिए या सारोच्छ हार्मोन प्रोडक्शन के लिए जो है आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आयोडीन का डेफिशिएंसी होता है तो थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन नहीं होगा या थायरोक्सिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, और आयोडीन का डेफिशिएंसी से जो है वो थायरॉइड ग्लैंड के अंदर जो है वो स्वेलिंग आ जाती है, एनलार्जमेंट हो जाता है इसके अंदर थायरॉइड ग्लैंड का, उससे एक डिजीज होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं गॉइटर डिजीज। ठीक है, तो ये गॉइटर डिजीज क्या होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, थायरॉइड ग्लैंड एनलार्जमेंट हो जाती है और थायरोक्सिन का प्रोडक्शन नहीं होता। तो अब थायरोक्सिन का फंक्शन की बात करते हैं, तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो बीएमआर को रेगुलेट करता है। अब ये बीएमआर क्या है इसके अंदर समझिएगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट का मतलब यहां पे जो है ये मेनली जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के जो है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो बीएमआर यानी बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है इसके अंदर ये कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट और फैट और इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन, इनके मेटाबॉलिज्म को जो कंट्रोल है वो थायरोक्सिन हार्मोन करेगा। अगर इस हार्मोन का डेफिशिएंसी रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन का जो है वो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, तो बॉडी का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होता है इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, तो इसमें ध्यान रखना थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो आयोडीन नेसेसरी होता है प्रोडक्शन के लिए, आयोडीन का डेफिशिएंसी गॉइटर डिजीज होता है, और इनका जो थायरोक्सिन का फंक्शन है बीएमआर यानी बेसिक मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना, यानी कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है। अब नेक्स्ट आता है पैराथायरॉइड ग्लैंड, जिसके साथ में थायराइड के साथ में अटैच होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। 4 स्मॉल जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलती है आपको पैराथायरॉइड ग्लैंड, इससे सीक्रेट होता है पैराथार्मोन, ये हार्मोन है इसके अंदर सीक्रेट होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड से। अब ये जो पैराथार्मोन क्या करता है, ये ब्लड के अंदर रेगुलेट करता है इसके अंदर, ये रेगुलेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन ब्लड। आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस के जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है पैराथार्मोन। ठीक है, तो बॉन्स के अंदर जो है कैल्शियम को डिपोजिट करना है वहां से रिलीज करवाना का काम ये है पैराथार्मोन का होता है इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, तो ये तो होगी थायराइड और पैराथायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड आ जाती है इसके अंदर आपका स्टूडेंट थाइमस ग्लैंड। देखिएगा 5th नंबर पे लेते हैं अपन थाइमस ग्लैंड। ये देखिएगा थाइमस ग्लैंड जो है ये कहां पे होती है स्टूडेंट, इसके अंदर ये होती है चेस्ट कैविटी में, ये ना चेस्ट कैविटी के अंदर, ये आपकी जो चेस्ट कैविटी होती है यहां पे इधर जो है ये हार्मोन सॉरी ये थाइमस ग्लैंड होती है छोटी सी थाइमस ग्लैंड चाइल्डहुड के अंदर, ये थाइमस ग्लैंड जो है ज्यादा एक्टिव होती है साइज के अंदर एनलार्ज होती है बड़ी होती है इसके अंदर, और एज के साथ में इसका जो है फंक्शन धीरे धीरे कम होने लग जाता है। थाइमस ग्लैंड से सीक्रेट होता है थाइमोसिन। तो ये थाइमोसिन जो हार्मोन है ये मेनली जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने के अंदर हेल्प करता है, इम्यूनिटी के अंदर हेल्प करता है इसके अंदर आपका। ठीक है, और इसके अलावा थाइमस ग्लैंड जो है टी सेल्स होती है ना लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट सेल का मैच्योरेशन के अंदर भी ये साइट ऑफ मैच्योरेशन है, यानी टी लिम्फोसाइट जो होता है उसका मैच्योरेशन कहां पे होता है थाइमस के अंदर। ठीक है, इसीलिए जो इसको टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं इसके अंदर। तो थाइमस ग्लैंड तो मेनली इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है इसके अंदर। ठीक है, थायमोसिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है इससे। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर अपन थायमस के बाद में आता है स्टूडेंट पैंक्रियास। ठीक है, तो 6th नंबर ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाती है वो है पैंक्रियास। तो देखिए पैंक्रियास स्टूडेंट जो है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है। पैंक्रियास जो है वो एक मिक्स टाइप की ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है। तो इसमें आपको जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट मिलेगा, एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एंडोक्राइन के बारे में मेनली डिस्कस करना है, एक्सोक्राइन पार्ट। तो एक्सोक्राइन पार्ट से तो क्या सीक्रेट होगा, एंजाइम सीक्रेट होंगे जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं इसके अंदर, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एमाइलेज एंजाइम्स। लेकिन एंडोक्राइन पार्ट जो होता है इसके अंदर, तो एंडोक्राइन पार्ट के अंदर होता है इसके अंदर एक मेन जो सबको सेल्स का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस आइसोलेट। इस आइसोलेट के अंदर जो है अल्फा सेल्स बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स, ये टाइप की सेल्स होती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें जो बीटा सेल्स होती है वो सीक्रेट करती है इसके अंदर इंसुलिन का, ये हार्मोन सीक्रेट करती है इंसुलिन। ठीक है, और ये जो अल्फा सेल है ये ग्लूकागोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है, ग्लूकागोन का सीक्रेशन करती है। ठीक है, और ये जो है वो सोमेटोस्टैटिन का सीक्रेशन करेगी इसके अंदर।
अब यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर बता रहे एंडोक्राइन पार्ट से जो है वो इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। ये इंसुलिन जो है क्या करेगा इसके अंदर, ये रेगुलेट करता है इसके अंदर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को, ठीक है। ये मेंटेन करता है इसके अंदर, मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को जो है उसके अमाउंट को रेगुलेट करता है। तो ये क्या करता है, सेल की जो है परमेबिलिटी को इंक्रीज करके ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा लेता है, ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर एंटर कर जाए और उसका रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी बनाने के अंदर यूज हो जाए। अगर इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाए, अगर इंसुलिन नहीं है यानी बीटा सेल डैमेज हो जाए, तो इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाए तो उस केस के अंदर जो है वो आपका जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही रहेगा, और ये जो ज्यादा एक्सेस अमाउंट के अंदर अगर ब्लड में ग्लूकोज रहेगा तो क्या करेगा, यूरिन के साथ में ये एक्सिड आउट हो जाएगा। तो इससे जो है एक डिजीज बोलते हैं इसके अंदर डायबिटीज, डायबिटीज, ये डायबिटीज के अंदर ये मेलिटस टाइप की डायबिटीज है, डायबिटीज मेलिटस हो जाती है इसके अंदर। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी डायबिटीज मेलिटस वाली हुई डिजीज होती है इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका अगला जो ग्लैंड है इसके अंदर पेंक्रियास के बाद में आ जाता है आपके इसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड स्टूडेंट्स। तो देखिए एड्रिनल ग्लैंड्स क्या है इसके अंदर, कहां पे होती है, देखिएगा स्टूडेंट हमने जब एक्सेसरी सिस्टम बनाया था इसके अंदर, तो इसके अंदर हमने एक किडनी के ऊपर एक ग्लैंड बनाई थी, तो ये एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारेनल ग्लैंड, एड्रिनल या फिर इसको अपन बोला था इसके अंदर सुप्रारेनल ग्लैंड, सुप्रारेनल ग्लैंड बोलते हैं। ये सुप्रारेनल ग्लैंड कहां पे होती है, आपकी जो किडनी है उस किडनी के ऊपर की तरफ, इस तरफ पे यहां पे, ये जो दोनों तरफ की जो किडनियां है इन किडनी के टॉप पे जो है ये एड्रिनल ग्लैंड होती है इसके अंदर, ठीक है। तब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसका जो लोकेशन आपने बता दिया एट द टॉप ऑफ द किडनीज, और इससे जो हार्मोन सीक्रेट होता है इसके अंदर मेनली जो एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है, एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है स्टूडेंट्स। ये एड्रिनलिन हार्मोन जो है वो आपको एडवर्स या फिर जो है एकदम कोई टफ सिचुएशन होती है या फिर जो है कोई डेंजरस सिचुएशन के अंदर आपको जो है बॉडी को जो है वो मेंटेन करती है एक तरह से, या फिर इसको अपन जो है एड्रिनलिन को 3F हार्मोन भी बोलते हैं, 3F हार्मोन भी बोलते हैं। तो 3F हार्मोन क्यों बोलते हैं, यानी 3F का मतलब यहां पे 1F का मतलब है फियर, फायर, सॉरी फियर, फाइट, फ्लाई, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, आपके सामने कोई डेंजरस सिचुएशन होती है तो उस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी को या तो उससे कुछ सिचुएशन से फाइट करना होता है या फिर उससे डरना, यानी फियर या फिर फ्लाई या फ्लाइट, यानी आपको यहां से भाग जाना है। तो क्या करना है इसके लिए, ये डिसीजन कौन कराएगा, ये एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से सारा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको इसलिए जो है डेंजर सिचुएशन के अंदर फाइट करने वाला हार्मोन या फियर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्टूडेंट्स आपका टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। तो एड्रेनल ग्लैंड हो गया इसके अंदर आपका, नेक्स्ट आपकी बात करेंगे इसके अंदर अपना एक नंबर पे जो आ रहा आपका इसके अंदर है वो है टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस जो है इसके अंदर ह्यूमन मेल के अंदर होगा, ह्यूमन के अंदर मेल में होता है इसके अंदर, वन पैर ऑफ टेस्टिस होते हैं स्क्रॉटम के अंदर, अगर रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब ये जो टेस्टिस होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, प्रोड्यूस जो है हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये क्या है, रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ऑफ द मेल, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ऑफ मेल, मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अभी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर ऑफ मेल क्या है इसके अंदर, जैसे मॉस्टेज, बियर्ड, डैडी मुस्काना है ना, और डीप वॉइस, भारी आवाज होना, ठीक है, वाइडनिंग ऑफ शोल्डर, शोल्डर का वाइड होना, बॉडी के ऊपर हेयर्स का ज्यादा होना, ठीक है, लॉन्ग बोन्स होती है, हाइट ज्यादा होना, ठीक है। और ये सारे जो है करेक्टर्स होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, ये इसके अंदर ये किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है, ओके स्टूडेंट। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल हार्मोन है। और नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका ग्लैंड है स्टूडेंट्स के अंदर ओवरीज। अब ये जो ओवरीज होती है फीमेल के अंदर होती है, ह्यूमन के अंदर, फीमेल के अंदर, ठीक है। तो फीमेल के अंदर वन पेयर ऑफ ओवरीज देखने को मिलेगा आपको,
इसके अंदर अब इस ऑर्गेनिक से जो मेनली टू हार्मोन सीक्रेट होते हैं स्टूडेंट, एक तो इसके अंदर है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, और दूसरा इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देखिएगा। अब एस्ट्रोजन जो होता है ये तो है रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल, सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल के लिए, तो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन जो है ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर जो है ये हार्मोन उसको मेंटेन करके रखेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये हार्मोन मेनली जो है प्रेगनेंसी के टाइम ही रिलीज होता है इसके अंदर। एस्ट्रोजन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, तो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये भी है इसका बॉडी के ऊपर काम होना, ठीक है। वॉइस का जो है थोड़ा श्रील होना, हिप बोन का ज्यादा वाइड होना, फैट का डिपोजिशन होना ऑन द थाई एंड हिप, और एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। तो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीमेल, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है इसके अंदर। तो ये सारी जो है अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आपने डिस्कस करा इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इनसे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है और उन हार्मोन्स का मेन फंक्शन क्या है ये आपको लर्न करना होता है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे अपने एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसको अपने यहाँ पे कंप्लीट करा। अब यहाँ पे देखिए आपको एक डिफरेंस बिटवीन द एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच में डिफरेंस दे रहा है सर। तो देखिए नर्वस सिस्टम जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है इसके अंदर इन केमिकल काफी फास्ट जाती है, जबकि इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर स्लो होता है स्पीड, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट होता है वो लोकलाइज होता है, यानी एक पर्टिकुलर जगह पे होता है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम पूरे बॉडी को जो है वो इन्फॉर्म करती है, आप पूरा एक वाइड स्प्रेड इसका इफेक्ट होता है। अब देखिए एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है इसके अंदर, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम का जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है इसके अंदर। नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम किससे बनता है न्यूरॉन से, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम बनता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो ये मेन डिफरेंसेस है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट अपने जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इन दोनों सिस्टम को अपने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट। तो प्लांट के अंदर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो है केमिकल्स यानी हार्मोन्स के थ्रू जो है वो मैसेज जो है वो आगे पास होता है इसके अंदर, ठीक है। तो उसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।